और आगे आप स्लाविया का लाइट का थ्रो देख सकते हो। गोवा का अगर आप नाइट ड्राइव कर रहे हो तो ध्यान रखना, ये एक बड़ा घाट है आपका लोनावला के बाद। फर्स्ट टाइम चोरला घाट में ऐसा नाइट ड्राइव कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। एक बीच डेस्टिनेशन में हम जा रहे हैं। कल मेरे पेरेंट्स का एनिवर्सरी है, सो वी थॉट ऑफ सेलिब्रेटिंग एट साउथ गोवा। इस बार भी हर बार की तरह नाइट ड्राइव करने वाले हैं, तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 5:45। बने रहिए हमारे साथ साउथ गोवा तक। बट हम लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार अगर हो सका सबका एनर्जी लेवल अप रहा तो गोवा एंटर करते ना, गोवा का कुछ ऑफ बीट लोकेशन कवर करते हुए हम लोग साउथ गोवा जाएंगे। तो अगर आप बने रहते हो तो देर आर टू रूट्स, अनमोड घाट, अम्बोली घाट, देन थ्री रूट्स रहता एंड चोरला घाट भी है। तो हम आपको बताते हैं हम लोग किस रोड से जाएंगे, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। 670 किलोमीटर का ड्राइव होने वाला है। रिया चलाएगी नवी मुंबई तक, उसके बाद मैं टेक ओवर करूंगा रात का ड्राइवर। 5:51 हो रहा है अभी टाइम एंड हम सीधा निकलने वाले हैं चोरला घाट की तरफ। तो डेस्टिनेशन पे हमने लगाया है चोरला घाट में, मेरा जो गोवा का कॉलेज था ना वो, तो उसका सुबह का 6 बजे का अराइवल बता रहा है। बट हम लोग तो कहीं कहीं रुकेंगे ना, देखते हैं। ऐसे 6:49 का चोरला घाट का सनराइज टाइम है, अगर हो सकता है तो आप भी हमारे साथ सनराइज देख लोगे चोरला घाट में। लेट्स सी। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक लग गया क्योंकि ऑफिस का डाउन ट्रैफिक है ना, उसके लिए एक लाइन उल्टे साइड वालों के लिए खुल गया है। ये है कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन KTC। KTC गोवा का है ना ऑफिशियल है, जो लोकल बसेस भी चलती है ना KTC, तो ये गोवा गवर्नमेंट की वोल्वो बसेस है। तो जा रही है ये भी हमारे साथ गोवा। ये है डॉयश बैंक एंड सामने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ अमेरिका, ये 1 BKC है। यहाँ तक पहुँचने में हमको 10 मिनट लग गए हाईवे से। यहाँ पे कोटक भी है, आगे से है ना BKC चुनाबट्टी फ्लाईओवर होके निकलेंगे। ईस्टर्न हाईवे के ट्रैफिक में फंसे हुए और ये रिया की वन ऑफ द फेवरेट कार्स है, पता नहीं कब वो मुझे खरीद के देगी। मैं तो नहीं, तुम खरीद के दोगे। मैं कहाँ खरीद के दूंगा। टाइम हो रहा है 7:41 और हम है वाशी ब्रिज में। एक तरफ की लाइट्स नहीं जल रही है, मून लाइट आ रहा है। वहाँ पे देखो चंदा मामा और क्लाउड्स के बीच में से चांद हमको दिख रहा है। तो अभी हम लोग एंटर कर जाएंगे नवी मुंबई आफ्टर द टोल। हम लोग है ना अभी ब्रेक ले रहे हैं, ये जो लेफ्ट में है ना होटल हाईवे व्यू शिकारा, देखते हैं कैसा है क्योंकि हाईवे से ज्यादा डाइवर्शन नहीं है, ऑन द हाईवे ही है। अगर अच्छा हुआ तो ये एक नया रेस्टोरेंट डिस्कवरी हो जाएगा। और 2-3 दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो शिकारा के बाद भी 2-4 है रेस्टोरेंट। है ना हाईवे साइड में कोई कच्चा ब्रेक था, तो पीछे आप देख रहे हो हाईवे जा रहा है। हमने हल्का सा ही डाइवर्शन लिया है यहाँ पे वाशी का टोल क्रॉस करके। ये पापा, ये है शिकारा रेस्टोरेंट, तो इस पर अपन घुसे थे। और सामने भी 2-4 रेस्टोरेंट है और यहाँ पे पहले पार्किंग वगैरह भी है, तो कोई लोड नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हो। 14:39 का बिल आया, तो वी हैड बटर नन, फिर रोटी, एक चिकन का डिश लिया, फिरनी लिया। और यहाँ पे है ना मस्त लाइव म्यूज़िक एंड गाना गा रहे थे, गज़ल टाइप का चल रहा था, तो एनवायरनमेंट वाज रियली वेरी गुड। 9:15 हो रहा है टाइम और एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं हम लोग। अभी गाड़ी लग गई है क्रूज़ में, 99 मैंने सेट किया है। और अभी है ना पानी का बॉटल लेने के लिए मैगडी कलम्बोली के पास वाले टपड़ी से उठाया, बिस्लरी 200 रखा 20 का बॉटल, यूजुअली 240 रखता है और एक्सप्रेसवे वाला तो 360 लेता है। तो रिकॉर्डिंग स्विच हो चुका है मोबाइल पे और अभी है ना यहाँ से और 77 किलोमीटर NH 48 बता रहे हैं, मतलब अभी एक्सप्रेसवे में हम लोग इतना चलेंगे। देखो अभी दिख रहा हूँ एरिया, हाँ बहुत अच्छे से, गोप्रो से रात का शूटिंग मोबाइल पे बेटर हो रहा है, दैट इज द कंक्लूजन। और आगे आप स्लाविया का लाइट का थ्रो देख सकते हो, व्हाइट लाइट बहुत बढ़िया लग रहा है थ्रो के हिसाब से। तो चल रहे हैं, 99 में क्रूज लगा रखा है, चलो लो बीम करते हैं, नहीं तो आगे वाले को तकलीफ होगा। खालापुर टोल, ओके okay. यहाँ पे कुछ तो कटेगा, जो कटेगा आपको स्क्रीन में लेफ्ट में ऊपर दिख रहा होगा, नहीं मैं तो राइट में ऊपर डालता हूँ ना, नहीं लेफ्ट राइट में नीचे डालता, राइट में डालता हूँ मैं। तो 9:40 हो रहा है और हम चल रहे हैं लोनावला घाट में, तो
लगता नहीं है अभी ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा है ना ब्लू ब्लू दिख रहा है, बट ये एप्पल का मैप समझ में नहीं आता कभी कभी, एज ऑफ नाउ तो ब्लू है, आगे जाके देखते हैं कैसा है। लोनावला घाट में ना ऐसा देखिए लाइनिंग नया से पेंट किया है। रात के 10 बजे लोनावला का ट्रैफिक देखो आप, पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और सबको इधर आना है, सबको इधर आना है और हम किसको घुसने नहीं दे रहे। फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना, फुल लोडेड गाड़ी है। ये क्या लेके जा रहा है, सुजलोन का कुछ है, सुजलोन का कुछ तो लेके जा रहा है, शेयर से मेरे पास सुजलोन के लेके जाओ, अच्छा तरक्की करो, पावर बनाओ। ये चल रहा है कतराज के बाद का टनल और कतराज टनल रहता और 7-8 किलोमीटर में हम लोग पहुंच जाएंगे खेत शिवपुर टोल, उसके बाद एक्चुअली सतारा घाट आता है। तो खेत शिवपुर टोल के पास है ना अपन थोड़ा सा चाय ब्रेक ले लेंगे क्योंकि उसके बाद फिर घाट है और पूरा जंगल का रास्ता है ना और अंधेरे में चलना पड़ेगा, तो वो ब्रेक जरूरी है। आपसे बात करते करते ट्रैफिक लग गया। गोवा नाइट ड्राइव 2.0 के टाइम आपने देखा होगा हमने ये खेत शिवपुर टोल के पास होटल शिवे में ब्रेक लिया था। यहाँ पे देखो पानी आग में डाला ना तो ये हो रहा है, अभी भी वही ब्रेक लिया बट ये वाला पार्ट है ना पूरा टूट चुका है, देखा आपने ये पार्ट पूरा टूट चुका है, बट वो भैया से मैंने बोल के चाय बनवाया और वहाँ पे जो टॉयलेट था ना तो ऊपर वॉशरूम भी यूज करके आया, क्लीन था, 15 रुपए करके चाय ले लिए फ्रेश बनवा के। ठंडी लग रही थी करके, हाँ बाहर का 16 डिग्री का दिखा रहा था टेम्परेचर। हम लोग गाड़ी में आ गए, अभी बज रहा है 11:42 और हम लोग है खेत शिवपुर टोल के पास, आगे जाके वो टोल पे करेंगे और सीधा निकलेंगे सतारा घाट के तरफ। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। कितना साल हो गया शादी को? 39 हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, हम लोग तो अभी तक 39 देखे नहीं है, हम तो अभी 40 साल हुए हमको। नहीं नहीं, हमने अपनी उम्र में भी 39 नहीं देखा, वो बोल रहे हैं। तुमने तो अपनी उम्र में भी नहीं देखा, सही बात। कैसा लग रहा है मम्मी पापा? बढ़िया लग रहा है, बोनस का लाइफ जी रहे हैं। नाइट ड्राइव कर रहे हैं गोवा की तरफ, गोवा में एंजॉय करने जा रहे हैं और हम चल रहे हैं सतारा घाट के तरफ। तो अगला 10-15 मिनट थोड़ा इधर उधर चक्कर खा लो रिया, ठीक है। और यहाँ पे है ना घाट में चढ़ने से पहले यहीं पे ये एक दो लास्ट दुकानें हैं, चाय वाय पीना है, यहाँ से पी के निकल सकते हो। एंड उसके बाद क्योंकि ये देखो जैसे ये गाड़ी है ना यहाँ रुक जाएगी तो लोग यहाँ पे यूजुअली ब्रेक लेते हैं। एंड उसके धीरे चलो बाद पूरा घाट, अरे गाड़ी चढ़ेगी नहीं ना धीरे, क्यों नहीं चढ़ेगी, देखो ना शुरू हो गया, देखो घाट के रास्ते, ये भी उतना ही बड़ा है लोनावला के, लोनावला से ये अलग है अब क्योंकि ये वाले में है ना लोनावला बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है क्योंकि वो एक्सप्रेसवे का पार्ट है ना, इसमें एक्सप्रेसवे तो नहीं है, देखा आप लोगों ने कैसा है। तो एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे ट्रक्स उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, आगे जाके देखते हैं, अगर आगे होता है तो अपने को फेस करना पड़ेगा। तो गोवा का अगर आप नाइट ड्राइव कर रहे हो तो ध्यान रखना ये एक बड़ा घाट है आपका लोनावला के बाद, ये देखो फंस गया क्या ट्रक, ये सतारा घाट कितना मस्त क्रॉस किया हमने और ये आने वाली टोल में ये देखो आगे एक ट्रक फंस गया, क्यों फंस गया नहीं पता, हाइट के लिए है क्या नहीं पता, बट ये होगा तो उसके बाद फिर मुझे गाड़ी रोकना है। ये देखो अपना पानी का बोतल भी खाली हो गया और मेरा फोन का चार्ज भी कम हो गया, हाँ तो तुम्हारा भी चार्जर लेना है एंड अभी टाइम हो रहा है 1:45 और मम्मी पापा को सोने बोल रहे हैं, पापा अभी भी जगे हुए, मम्मी भी जगी हुई है, मैं रात रानी कहाँ फंस गया, पैसा नहीं देना होगा, पीछे से भी हॉर्न बजा रहे हैं, हमें आने वाली टोल पे, आने वाली टोल सतारा घाट सतारा शहर क्रॉस करने के बाद है ना, अभी हम लोग कराट की तरफ जा रहे हैं, टाइम हो रहा है 1:01 और लेन 3 लेन से है ना यहाँ पे 2 लेन हो गई है, यहाँ पे जैसे जैसे ब्रिजेस आएंगे ना वो ब्रिजेस 3 लेन की है, बट ये
दो लेन का रास्ता है कोल्हापुर तक, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। ये जो रोड है ना इसमें मेनली रात को एडवांटेज ये मिलता है कि आपका देखो एक लाइन में ट्रक चल रहा है, दूसरे लाइन से आप ओवरटेक कर पा रहे हो। अगर यहीं पे आप दिन पे रहते तो बाइक का क्राउड होता तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है यहाँ पे और ट्रेवल टाइम बढ़ जाता, बट एनीवेज वी आर एंजॉयिंग दिस। एंड रात को क्या होता है ना जैसे लाइट्स और ये सब के वजह से ये डाइवर्शन और ये बहुत अच्छा समझ में आता है, जैसे ये ट्रक है तो उसका जो रिफ्लेक्टर्स है ना उससे समझ में आ रहा है, और हम जब क्रॉस करते हैं अपर डिपर मारते हैं तो उसको भी समझ में आता है कि कोई व्हीकल क्रॉस कर रहा है। और दिन में क्या होता है ना आप नजरों के भरोसे रह जाते हो, तो वही डिफरेंस है, इसलिए मुझे नाइट ड्राइव पसंद है और गर्मी नहीं रहती है। हाँ बाइक दिखा रिया, मुझे याद दिला रही है कि एक बाइक की ओरा मत देना। कराट से 15 किलोमीटर पहले ना करीब एक फ्लाईओवर जो राइट का देख रहे हो ना वो बन रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे आपको 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का डाइवर्शन लेना पड़ेगा ऑन द सर्विस रोड, और ये रोड का हालत थोड़ा सा खराब है, बट ठीक है इतना रोड में 2 किलोमीटर तो मैनेजेबल है। अभी बज रहे हैं 3:58 और हमने कुगनोली टूल क्रॉस किया है पीछे, और यहाँ पे एक चाय की दुकान है, यहाँ पे अभी है ना हम थोड़ा सा सो जाएंगे। देखिए गाड़ी की सीट पीछे हो गई एंड दिस इज गुड नाइट स्पॉट फॉर अस 3 AM इन द मॉर्निंग, तो मिलते हैं 15 मिनट के नींद के बाद। कर्नाटका में कुछ देर चल चुके हैं, अब आने वाला है निपानी, अभी एक्चुअली हम लोग निपानी में ही है तो निपानी का भी घाट आने वाला है और एंजॉय करेंगे। ये वाला घाट मैंने कभी रात को ड्राइव नहीं किया एंड मुझे लग रहा है कि चोरला घाट में भी जब तक हम लोग पहुंचेंगे ना तब तक अंधेरा ही रहेगा। ये हम लोग वो निपानी घाट की जो बात कर रहे थे ना वो आ ही गया, बट ये बहुत वाइड रोड है इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग में कोई इनकन्वीनियंस नहीं होता है, बट अगेन इट इज वेरी वेल मेंटेन। और अगर आप नाश्ता का ब्रेक लेना चाहते हो तो राइट हैंड साइड में कावेरी है और लेफ्ट हैंड साइड में एक और रेस्टोरेंट है, मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखा दूंगा। ये आपको दिख रहा है मैप में जो रोड कट रहा है, तो राइट हैंड साइड का जो रोड है ना दैट इज गोइंग टुवर्ड्स अमोली घाट। बज रहे 4:25 और ये 400 मीटर पे एग्जिट लेके हम लोग है ना चोरला घाट की तरफ जाएंगे। देखो पूरा शहर सो रहा है और हम जगे हुए हैं, चले जा रहे हैं इधर ही कहीं एग्जिट है। आप अगर डांडेली का ब्लॉग देखे हो ना उसपे भी हम इधर से ही कहीं एग्जिट मारे थे और ये वाला रेदर मिस किए थे। ये देखो बहुत छोटू सा एग्जिट है, नेशनल हाईवे 748 में एंटर कर जाएंगे हम लोग राइट मारते हुए। बहुत तड़ा है इसको, लगा ही देगा वो मर्सिडीज। आ ये तो पूरा देख ले उधर से गाड़ियां आ रही है कि नहीं, ऊपर उड़ने तो पापा बोल रहे पंखा लगा के उड़ जाएगा। बापरे हम भी उड़ने वाले हैं। और बेलगाम में है ना बहुत ब्रेकर रहते हैं। ये एचपी खुला है क्या सिटी वाला? देखो भाई खुला है क्या? कोई नहीं है। 1000 का पेट्रोल भरा लिया अभी एक एचपी के पंप से क्योंकि वॉशरूम बहुत ही खराब था और वॉशरूम खराब था, तो रिया बोल रही है कि शेल के पेट्रोल पंप पे जाएगी। और बाहर का टेम्परेचर है 15.5, देखिए लोग बेकार है और आग जला रहे, बहुत ठंडी है, मैं तो कांप रही हूं अंदर। उतना भी नहीं है, तुम लोग ज्यादा था। ये लेक भी हॉस्पिटल है कोई, तो ये बेलगाम शहर के अंदर घुस गए हम लोग। ये लेक सा कुछ है तो समझ में नहीं आ रहा है रात को। अच्छा किया ना हम लोग पेट्रोल पंप स्टार्टिंग वाला भरा लिए सिटी के अंदर घुसते, क्योंकि बीपीसीएल कोको में तो हम भरा नहीं पाए बिकॉज 95 ऑक्टेन था नहीं, और यहाँ के सिटी के अंदर के सारे पेट्रोल पंप है ना बंद है। या बोल रही थी कि शेल का वॉशरूम यूज करेगी वो क्लीन है, ये देखिए बेलगाम के मेन चौक में ट्रैफिक ही नहीं है। या बोल रही थी कि शेल का यूज करेगी बट आई डोंट नो शेल का ओपन रहेगा कि नहीं।
रूट में है ना बहुत सारे ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा है। और सिंगल लेन रोड है, देखिए दिन में अच्छा लगेगा ऐसे ग्रीनरीज, बट ये वाला पार्ट है ना रात को उतना मजा नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑपोजिट में कार्स आ रही है हाई बीम में, गड्ढे दिख ही रहा है आपको, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है। इस टेम्परेचर देखो, दिख रहा है आपको बाहर 10 डिग्री का टेम्परेचर है, और आगे उधर पहाड़ी की घाट शुरू हो गई। यहाँ पे हाँ चोरला घाट में तो रहता है तेंदुआ, तो आता है तो आप लोग बताओ मुझे तेंदुआ। तो हाई बीम में चल रहे है, घाट स्टार्ट हो गया है, आप देख ही पा रहे हो। फर्स्ट टाइम चोरला घाट में ऐसा नाइट ड्राइव कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 5:02, टेम्परेचर 10 से बढ़ के हो गया है 11:30 बाहर का, और हम गाड़ी के अंदर करके रखे 23:30। हमारे साथ चलो ये चोरला घाट है ना, यहाँ से सनराइज में बोल रहा था आपको बहुत अच्छा दिखता है, तो यहाँ पे लेफ्ट में ना बैरिकेड किया हुआ एक सनराइज पॉइंट है। तो यहाँ पे कहानी है, जब हम लोग कॉलेज में फर्स्ट टाइम इसके सनराइज के बारे में सुनने आए ना, सुन के आए थे यहाँ पे, और सनराइज है ना दिखा नहीं था, और पता चला हम कहीं देख रहे थे सूरज अपने सिर के ऊपर आ गया, फिर पता चला हम लोग सनसेट पॉइंट में ना पहला सनराइज देख रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग फिर से आए और उस समय क्लाउड की वजह से सनराइज नहीं दिखा। आज तो दिखना चाहिए, वैसे आज भी क्लाउड्स ही है ना, वो क्लाउड्स है कह रही है ऊपर, एकदम जंगल सफारी जैसा लग रहा है मुझे तो। नाइट सफारी हो गया अपना आज ना, नाइट सफारी हो गया, नाइट नहीं अभी तो सुबह 5:00 बट अंधेरा है तो नाइट है ये ना। ऊपर लेकिन हल्का सा उजाला हुआ था, लेकिन ये जंगल इतना घना है ना जैसे राज में था, राज मूवी का शूटिंग देख रहे हो, हम चोर के कोई नहीं है इस जंगल में। चोरला घाट ड्राइव एट नाइट, बट ये मतलब कहीं कहीं रोड बहुत खराब है, बट ये वाला स्ट्रेच अच्छा है थैंकफुली। हालत देखो बहुत ही खराब है और ऐसा अच्छा खासा पैच है। मैं पिछले बार जब आया था ना मार्च में, इससे बहुत बेटर था रोड, बट ये मार्च से दिसंबर में ना चोरला घाट का तो रोड का ब्यूटी चुरा लिया किसी ने। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि अनमोल घाट से बेटर ही है। क्या था सनराइज पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो अभी हम लोग है ना सनराइज पॉइंट में 6:08 में पहुंचे, 6:49 का सनराइज टाइम था, 40 मिनट्स तो रुकेंगे नहीं। फोटो लिया, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, बहुत ग्रेट तो नहीं है बट थोड़ा सा अलग आए। अब यहाँ से है ना गोवा का टेरिटरी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और रास्ते अच्छे हो गए हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान से चलना होगा, एक तो रोड खराब है, ऑपोजिट का ट्रैफिक है, सिंगल लेन घाट है, बट ये अगर आप एडवेंचर करना पसंद करते हो देन दिस इज इट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। तो शायद मेरा चेहरा अभी आ रहा है क्योंकि अभी सुबह हो चुकी है, और आप आगे देखो ये नजारा गोवा का सुबह, एंड दिस इज पोरिम विलेज। अलग लग रहा है ना, समुंदर से अलग। Wow, what a beauty!
वो बाइक तो मुझे दिखाई नहीं था, 14.5 डिग्री है बाहर का टेम्परेचर, 4 mm VP जहाँ पे भी आपको दिखता है ना, दैट इज लाइक विलेज पंचायत। तो ये राइट में मेरा कॉलेज है, यहाँ पे मैं 2014 तक पढ़ता था, और ये आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग नीचे सांकली विलेज की तरफ जा रहे हैं, और वो उस तरफ है ना अपना कैंटीन था, और ये खराटे मार रही है इधर। नहीं क्या नहीं मार रही हो, खराटे तो मार रही हो, ये अपना कैंटीन है और वो दूर में अपना लाइब्रेरी है। हम पहुंच गए अरवेलम केव्स, ये है ना सांकली में ही है, और इसको पांडवों ने बनाया था, आप देख रहे हो ये केव्स। इसमें पहले है ना हम लोग अंदर जा सकते थे, अब तो अंदर वाला बंद लग रहा है, और यहाँ पे एक वाटरफॉल है, झरना या धबधबा भी बोलते हैं, और मंदिर एक है। अभी हमने डायरेक्टली है ना पैलेलिम का डेस्टिनेशन लगा दिया, हमारा जो रिसोर्ट है। अरे भाई बहुत देर से बहुत भूख लगी हुई थी, तो ये रिया तो मुझे बोल रही है कि कुछ खाना है, तो हमने थोड़ा सा डाइवर्शन लिया। मार्शल मुझे विलेज मालूम था, कॉलेज टाइम पे हम लोग यहाँ पे कभी कभी आते थे, तो मार्शल आए। मार्शल में एकदम फिश, जनरल स्टोर्स सब मिल रहे हैं, वेजेस मिल रहे हैं, बट खाने का कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये बनस्तरी में नहीं, ये नवदुर्गा करके था, नवदुर्गा पे अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता किए, बट अब देखो इधर बाजू में है ना दारू का दुकान भी खुल चुका है, बट खाने का दुकान ही नहीं था, तो हमने यहाँ पे ना पूरी भाजी लिया एंड साथ में चाय लिया। तो 70 का प्लेट था, तो 3 प्लेट लिए, 3x4 कर लिए, और चाय 100 का, तो 310 का अपना नाश्ता हो गया मस्त सा। हाँ तो 2 घंटे लगेंगे, तो अभी टाइम हो रहा है 8:15 करीब, तो 10:15 तक हम लोग शायद पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हम लोग फिल कर रहे हैं, पावर का रेट है 103, जो अपना उधर 113 रुपये का है। तो कर्नाटका में हमने 1000 रुपये का पेट्रोल भराया था, अब यहाँ से फिर फुल टैंक करेंगे, फिर गोवा से जब निकलेंगे फिर करेंगे। भैया ये जगह का नाम क्या है? कुंडेम गोवा, कुंडा गोवा। अच्छा कुंडेम पड़ता है ना, कुंडा तो आगे है ना, और भी 12 किलोमीटर है। हाँ एक धड़ाधड़ एक पुलिस वाले भैया चलान काट रहे थे, हमने देखा। ये आप देखो कितना ग्रीनरी है ना, बहुत गोवा अच्छा जितने बार भी आओ बोर नहीं लगता है। एग्जैक्टली, और हम लोग हर बार अलग जगह आते हैं। इस साल का 3रा टाइम है हमारा गोवा। मार्च में आए, मार्च में है, एक शायद अक्टूबर में आए। अक्टूबर में नहीं आए, मार्च में, मई जून में कभी आए, और हाँ। फिर अभी दिसंबर में आए। अभी हम लोग है ना मोलेम की तरफ जाएंगे, पोंडा के रास्ते। देखिए ये रोड है ना सीधा कोलबा बीच मडगांव होते हुए जाएगा, तो लोग जो मडगांव में ट्रेन से उतरते हैं या फिर वॉल्वो से मडगांव आते हैं ना, तो उनके लिए सबसे नियरेस्ट बीच कोलबा है। बट अगर आप मडगांव जा रहे हो, कोलबा इज़ ए क्राउडेड बीच, उससे बेनोलिम में थोड़ा सा आपको कम क्राउड मिलेगा, कोलबा के स्ट्रेच में ही है। अपने यहाँ पे तो रोड में ब्रेकर्स थे। पहुंच गए हैं मडगांव, चढ़ चुके हैं NH66 पे, और 35 किलोमीटर बाकी है, कुछ 31 किलोमीटर है था। एंड या वी आर क्रूजिंग गुड, 10:15 तक पहुंच जाएंगे मैक्स। तो NH66 में ना बहुत टाइम बाद आया है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन और ये सब का स्ट्रेच है ना, इसके वजह से गूगल कहीं इधर उधर घुमाते रहता है। बट यहाँ जो मडगांव टू पेलोलिम का जो ड्राइव है NH66 में, इट इज रियली ऑसम। ये हम कनेकोना डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं, तो कनेकोना डिस्ट्रिक्ट में एगोंडा एंड पेलोलिम आर वेरी गुड बीचेस, फेमस। कोला भी एक अच्छा बीच है, जो इसका एक फोटो डालता हूँ मैं कोला का, आप देखो कितना सीरीन है। इस बार तो हम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, कोला नहीं जाएंगे, क्योंकि कोला के लिए 45 मिनट टू 1 आवर लगता है, एंड थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी है एंड ऑफ द स्ट्रेच। कनकोना की पहाड़ियाँ, हम जा रहे हैं बीच की तरफ, पेलोलिम बीच की तरफ। ये देखिए कोचीन, मैंगलोर, वहाँ जाना है तो आप जा सकते हो, यही हाइवे पकड़कर, यही हाईवे पकड़कर तो हम राइट जा रहे हैं। तो अभी गूगल मैप हम लोग को इस रास्ते पे लेके आया है, ऑफ रोडिंग भी हो रहा है, गाड़िया भी है इधर, तो लग रहा है कि हम लोग सही जा रहे हैं। देखो और यही गली था, तो जो मुझे मैप में पहले समझ में नहीं आया, फिर हम लोग धीरे धीरे से जा रहे हैं। हम लोग पहुंच गए ना ऑलमोस्ट, शायद ये है योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट।
ये रहा ड्रीम्स ऑफ पालोलिम, आई थिंक दैट इज द वन. बट पार्किंग इज द क्वेश्चन. उसे क्या गाड़ी अंदर जाएगा तो डाल देता हूँ, हाँ जाएगा ना गाड़ी अंदर. अरे बहुत पार्किंग है, बहुत जगह है, बहुत जगह है. ये कौन सा ड्रीम से पता नहीं. हाँ यही है ना. तो अपना चेक इन हो गया है. अभी भैया लगेज लेके जा रहे हैं अपना 111 है. इसमें भैया ब्लू बैग डाल देना. ये वाला ना? हाँ ब्लू वाला है. इधर रहने तो हम लोग ले लेंगे बाकी. और रेड वाला जाएगा वो आगे वाले में. और आगे दूर पे बीच है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ देर में. तो हम पहुँच गए पालोलिम. और ये जो पूरा आपने नाइट ड्राइव और ये देखा है ना, दिस इज मेड अस रियली टायर्ड. तो आप इतना वीडियो देखो, एक लाइक तो बनता है. एंड चैनल पे नए हो तो कीप अस सब्सक्राइब्ड फॉर नेवर मिसिंग एनी अपडेट फ्रॉम ट्राइव एडिक्शन. एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू कैच अस लाइव. आईडी कहीं आ रहा होगा स्क्रीन पे. तो अगले ब्लॉग में ना मैं आपको बताऊंगा अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस रूम वेयर वी स्टेड एंड देन पालोलिम में हमने क्या क्या किया. एंड इस वीडियो सीरीज का, शायद गोवा सीरीज का, मे बी विल हैव 4 to 5 एपिसोड्स टिल द टाइम वी गो बैक टू मुंबई. तो बनी रही हमारे साथ पूरी सीरीज में एंड एंजॉय गोवा विद अस. Till then, bye.